हैं अगर जस्ट दोनों साइड से, तो आप ये कम से कम तीन से चार सेट लगाएं इसके, और इसका इफेक्ट देखते हैं, बहुत ही इफेक्टिव है। बड़े आराम से लगानी है, थोड़ी प्लेट्स डालनी है ताकि आपको मैक्सिमम इफेक्ट आए इसका, और कम से कम चार सेट आप इसके 12 से 15 रैप सिंगल हैंड। फिटनेस वर्क्स गाइज, श्रेड एंड स्ट्रेंथ डे 23, सो 1 वीक टू गो, इंशाल्लाह 1 हफ्ता रह गया। वाटर इनटेक गाइज कितनी ज़रूरी है, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, दोनों सूरतों के अंदर वाटर इनटेक इतनी ज़रूरी है, आपको पानी जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको दिन में अगर आप जिम गोअर हो तो आपको कम से कम 3 लीटर से 4 लीटर के दरमियान पानी मस्ट पीना है, और अगर आप जिम गोवर नहीं हो तो तब भी आपको मिनिमम 2.5 से 3 लीटर वाटर इनटेक करना है पर डे के हिसाब से। मैं एक छोटी सी मिसाल से आपको बताने की कोशिश करता हूं, जैसे कि अगर आप अपने खुरे के अंदर किचन में सिंक के अंदर बर्तन रखते हैं जिसमें आप खाना खाते हैं, कभी आपने नोट किया अगर आप सिंक के अंदर गर्म पानी या डिटर्जेंट होता है जिसके साथ ये धोए जाते हैं बर्तन, अगर आप उसको मिक्स करके और गर्म पानी को मिक्स करके और आप किचन के अंदर रखते हैं तो आप तो सुबह आपको वो ज़्यादा क्लीन मिलते हैं, और अगर आप वही ऑयली प्लेट्स कौलियाँ और बर्तन और गिलास एज़ इट इज़ किचन में पड़े रहने देते हैं तो सुबह उठ के जब आप देखते हैं तो वो कितनी बुरी तरह से उसमें जमे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब हम खाना खाते हैं हमारे अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल कार्ब्स सबसे बैड होते हैं गाइस। सिंपल कार्ब्स में या हम ऑयली चीज़ें खाते हैं तो उससे होता क्या है, हमारी किडनी को बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करना पड़ता है अगेंस्ट द फूड अगर हम वाटर इनटेक सही से नहीं लेते हैं। तो क्या होता है, खाना मैदे के अंदर ही रहता है काफ़ी देर तक, फिर हम नई मील खाने की कोशिश करते हैं और पहला खाना ही फ्यूल नहीं हुआ होता, पहला खाना ही प्रॉपर किडनी के अंदर हजम नहीं हुआ होता, तो उसकी सूरत में हमें क्या दरपेश होती हैं, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमें दरपेश होती है वो कॉन्स्टिपेशन की होती है।
हमें कब्ज़ का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, या मुमकिन है हमें लूज़ मोशन भी आ जाए। उसकी रीज़न यही होती है कि खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो अगर आप साथ साथ में पानी की इनटेक रखते हैं अपने खानों के साथ, तो क्या होता है, वो खाने को स्टमक के अंदर, किडनी के अंदर ख़ास तौर पे, किडनी से जहाँ से उसने फ़िल्टर होके निकलना है, वहाँ वाटर जाता है, पानी के साथ वो खाना मिक्सअप होता है, मिक्सअप होने के बाद वो खाना सॉफ़्ट होने लग जाता है, और सॉफ़्ट होने की वजह से वो इजीली किडनी से थ्रू आउट होता है, और फिर जहाँ जहाँ उसको जाना होता है वो एनर्जी वहाँ वहाँ को प्रोवाइड करता है। तो गाइज़, पानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोनों सूरतों के अंदर। अगर आप जिम जाते हो, अगर आप जिम नहीं जाते हो, अपने पानी को प्रॉपर रखो ताकि खाना अच्छे से हज़म हो सके, और आपको किसी भी किस्म का, चाहे जितना भी अच्छा खाना खा रहे हो आप, स्ट्रिक्ट डाइट के साथ जा रहे हो आप, उसकी सूरत में भी अगर आपने पानी का इंटेक ठीक ना रखा, आपको एक्ने हो सकते हैं। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है बॉडी के ऊपर, दाने, बॉडी के किसी पार्ट पर भी दाने स्टार्ट हो सकते हैं, मुँह से लेके फुल बॉडी पे कहीं पर भी इसका इफ़ेक्ट आ सकता है। तो पानी की इंटेक को अच्छा रखेंगे आप जो भी खा रहे हैं, एज लॉन्ग एज आपकी किडनी को बहुत ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करना पड़ेगा, इजीली वो डाइजेस्ट कर लेगा, और आपका ये वाला प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो गाइज़, अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ईद में 2 दिन रह गए हैं, और मेरा ख्याल है 2 दिन के लिए जिम क्लोज़ होगा। क्लोज़ होने की वजह से 2 दिन शायद मैं फिर वर्कआउट ना कर सकूं। ये day 30 मेरे कंप्लीट नहीं हो रहे ईद से पहले, क्योंकि मैंने जब ये स्टार्ट किया था श्रेड एंड स्ट्रेंथ 30 डेज़ चैलेंज, तो मैंने बिल्कुल भी इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा था कि ईद पास आ रही है कि नहीं आ रही। कल के व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। बाय बाय।